हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कल वीडियो हम शेयर नहीं कर पाए आपके साथ, लेकिन आज जो है हम ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि आज ट्रेडिंग डे था भी नहीं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को इंतजार रहा होगा। लेकिन जो भी हमारे पास ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर हमने आपको मैसेज दे दिया था कि भाई आज फ्राइडे को वीडियो हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। आज की ये जो चर्चा है ये हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं इसी बात से शुरुआत करूँगा कि कल की वीडियो नहीं आने का मतलब हमें खेद है एक तरीके से कि भाई आप में से काफ़ी लोग इंतज़ार कर देंगे। लेकिन देखिएगा, फ्राइडे के सेशन में ऐसा हो सकता है कि आपको फ्राइडे की वीडियो ना मिले, वो सैटरडे या संडे में मिले, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है आगे भी। तो आप जो है इंतज़ार ना करें, 10:30 बजे तक ही बस इंतज़ार करें, तो उसके बाद जो है शायद हम फ्राइडे की वीडियो जो है शेयर नहीं करते हैं। अब आज का जो माहौल रहा, मूड और माहौल, आप सभी लोगों का मन खुश हो गया होगा फ्राइडे के सेशन के अंदर। और खुश किस लिए हुआ होगा कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आई। उसके बाद अभी हमें क्या लगता है कि जो शॉर्ट्स हैं वो अभी बाज़ार में शायद थोड़े और हैं, बाज़ार थोड़ा शॉर्ट कवर और कराएगा। इसका हमें अंदेशा था, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ अपडेट किया था कि 35,500-35,600 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, वहाँ पर सेल ऑन राइज की जो है स्ट्रेटेजी में लगता है कि ज़्यादा उचित रहने वाली है। लेकिन बाज़ार ने उस पूरी की पूरी जो है सेलिंग को ऑब्जर्व कर लिया अभी एट प्रेजेंट, तो ऐसे चांसेस बनते हैं कि 35,900 के आसपास निफ्टी बैंक, और उसके अलावा भी एक पॉजिटिव केस के अंदर इस एक्सपायरी तक अगर इंटरनेशनल माहौल ठीक रहा तो 36,500 तक हम टेक्निकल लेवल्स पर देख सकते हैं। उसके चांसेस हालांकि थोड़े से कम है, 35,900 और 36,100 के चांसेस हमें लगता है एट प्रेजेंट सिचुएशन में सोमवार को देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एक बाइंग स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बायर से एक रिस्क पर होंगे, और वहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि या तो मंडे के सेशन में नहीं तो ट्यूसडे के सेशन में वहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, क्योंकि 33,100 से लेकर 36,000 तक बाज़ार जाना है, यानी कि 3,000 पॉइंट्स। तो कुल मिलाकर बाज़ार जहाँ से गिरे थे वहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 2/3 यानी कि 66% के आसपास जो है बाज़ार ने रिट्रेसमेंट दिया। तो उस लेवल पर जनरली एक सेलिंग प्रेशर्स हम एंटिसिपेट करेंगे। फंडामेंटल्स में अभी कोई ऐसा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस तकरीबन $120 के आसपास पहुँचे हैं, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली है अभी भी। और एक अच्छी खासी सेलिंग के बाद ऐसा पुल बैक हम उम्मीद करते हैं इंडेक्स के लेवल पर, और मैं आपके साथ चर्चा भी कर रहा था, और ट्रेडिंग एंगल से हमने जो बात की थी HDFC बैंक के बारे में और TCS के बारे में, तो HDFC बैंक तो देखिए एक अच्छा खासा एक बाउंस दे चुका है, तो जिन्होंने भी निचले लेवल पकड़ा होगा अच्छे खासे प्रॉफिट पर आ गए होंगे, और तकरीबन 1410 रुपये के आसपास अगर HDFC बैंक आता है तो वहाँ पर एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, क्योंकि जब बाज़ार गिरे थे तब वहाँ पर काफ़ी अच्छी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली थी, तो वो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन रहेगा। और HDFC बैंक 1400 के ऊपर, अगर 1405-1410 के लेवल्स के पास अगर बाज़ार जाता है, तो जो ट्रेडर्स हैं वो अब जिन्होंने नीचे माल लिया था और वो इन्वेस्टर नहीं है, तो शायद प्रॉफिट बुक करने का एक बहुत अच्छा मौका 1400 रुपये या उसके आसपास बनता है। इसी तरीके से TCS के अंदर भी एक अच्छा बाउंस बैक हमें देखने के लिए मिला, लेकिन TCS में शायद अभी हमें लगता है कि गुंजाइश और है, और शायद सोमवार को TCS जैसे जो शेयर्स हैं वो आपको लीड करते हुए भी नज़र आए। तो ये हमारा जो है बाज़ार के बारे में एक आउटलुक है, जो भी नियर टर्म आप लोग जो आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के मौके देखिएगा, स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में काफ़ी अच्छे हैं आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो फंडामेंटल साउंड कंपनी है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो अपने हाई से गिरे और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा उठेंगे, यानी कि वो उठेंगे इसलिए नहीं क्योंकि वो फंडामेंटल बहुत साउंड कंपनी नहीं थी, और ऑपरेटर्स ड्रिवन शेयर्स थे, वैल्यूएशंस उनके बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए थे, और वहाँ पर ऑपरेटर्स ने अपने प्रॉफिट बुक कर लिए, और ऑपरेटर शायद ऐसे शेयर्स में दोबारा ना बैठे, जिसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास वो शेयर्स रह जाए, और जो एक शेयर्स के प्राइस को ऊपर बढ़ने से भी रोके। तो स्मॉल कैप मिड कैप में देखिएगा थोड़ी सी अलग स्टोरी होती है, और जब रैली आती है तो शेयर्स बदल जाया करते हैं अक्सर, और 50% शेयर्स नए होते हैं, 50% पुराने होते हैं, तो 50% जनरली वो पैनिक स्टॉक्स या जो
ऐसे जो ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स होते हैं उनमें जो है रिटेलर्स फंस जाते हैं, तो उन शेयर्स पर विशेष नज़र जो है आपको रखनी है। जो कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, जिनका बिजनेस अच्छा है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, उन कंपनीज में देखिएगा आपको दोबारा से बाहर आती हुई नज़र आएगी। और बहुत सारे शेयर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदे भी हैं और अच्छे प्राइस के ऊपर उनकी पिकअप भी हुई है। अब बात करते हैं इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स की जहाँ तक मैं आपके साथ बात करूँ, इंडेक्स के अंदर जो निफ्टी है उसने आज 182 पॉइंट्स की जो है तेजी की। हालांकि इसने अभी निफ्टी बैंक को अंडर परफॉर्म किया है। मुझे लगता है अगले हफ्ते के दौरान निफ्टी शायद आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। और जिसमें एक मुझे पर्सनली जो सेक्टर लगता है वो है आईटी स्पेस, जो आगे लीड करता हुआ नजर आए। फार्मा में भी बहुत अच्छी गिरावट जो आपने देखी, डीवीज लैब जैसे जो शेयर्स हैं उन्हें बहुत अच्छी गिरावट थी। तो हो सकता है कि जो बाकी फार्मा जो शेयर्स हैं इंक्लूडिंग द डीवीज लैब एक पुल बैक करने की कोशिश करें और वहाँ से एक रुझान जो है थोड़ा सा आपको पॉजिटिवली नज़र आए। ये सोमवार के लिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक के लिए गैप की बात की थी, अब मुझे लगता है कि उसी तरीके का जो गैप है वो अभी निफ्टी के अंदर बचा हुआ है। बैंक निफ्टी का गैप तो फिल हो गया और वो लेवल्स जो है हमें दिखते हैं 16,500 16,600। अगर बाजार एक बार उन गैप को भरने के लिए आता है तो वहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई जोन होनी चाहिए। बैंक निफ्टी में सप्लाई आई थी लेकिन बैंक निफ्टी उस सप्लाई जोन के आसपास ही क्लोज हुआ है या उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा अच्छा और करे, लेकिन ऊपरी लेवल पर जब सेलिंग प्रेशर है वो बैंक निफ्टी में पहले स्टार्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, और निफ्टी शायद वहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करे 16,500 16,600 पर। उसके बाद ही कोई गिरावट का या जो अगली जो रुख है उसका हम आकलन आपके साथ करेंगे। बट चांसेस ये लगते हैं कि ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है और उस लेवल तक शायद बाजार आप जाए भी और वो गैप भी है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर जो है बेरिश हो गया। लॉन्ग टर्म देखिएगा इंडिया ग्रोथ स्टोरी अभी भी बुलिश है, लेकिन मीडियम टर्म के अंदर अभी भी हमें लगता है कि फंडामेंटल्स थोड़ा साथ नहीं देंगे, बाजार ऊपरी लेवल पर अटक सकते हैं। लेकिन इसका आकलन जो है हम अगले हफ्ते आपके साथ करेंगे। इस हफ्ते के शेयर्स के अंदर अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया और आज भी जो तेजी रही उसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक ने बहुत अच्छा किया। थर्सडे और फ्राइडे और वेडनेसडे तीन सेशन ऐसे रहे कि जहां पर HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ने अच्छा किया, तो ये अभी भी जो अच्छा करते हुए नजर आए। और बजाज फाइनेंस के अंदर एक दोबारा से अच्छी तेजी देखने के लिए मिली। इन्फोसिस ने भी आज बाजार को लीड करने की कोशिश की। वहीं रिलायंस और ONGC भारतीय एयरटेल NTPC JSW स्टील कमजोर रहे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बुल्स के साथ थी और मैं आपको साथ दो तीन दिन पहले चर्चा कर रहा था भैया बुल्स जल्दी से उड़ जाओ नहीं तो BRS आपको बाहर कर देगा। तो बुल्स ने पूरी कोशिश की और देखिएगा थर्सडे के सेशन में एक्सपायरी वाले दिन से लेके और कल फ्राइडे का सेशन काफ़ी बहतरीन रहा। अपोलो हॉस्पिटल, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, वेब प्रो, FCL टेक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व, MNM, लास्ट एंटर वो हिंदुस्तान लीवर, ये अच्छे तेजी में थे। ONGC, NTPC, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, कोल इंडिया, भारत पेट्रोलियम, JSW स्टील, बजाज ऑटो जैसे शेयर्स कमजोर थे विद रिलायंस इंडस्ट्रीज। बैंक निफ्टी में एक जिस तरीके की शुरुआत हुई हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे कि 35,500 और 600 में एक अच्छी सेलिंग आएगी। बाजार सारे दिन यहीं घूमता रहा, बीच बीच में एक दो बार के जो है डाउनफॉल भी देखने के लिए मिले जो बाजार को 35,400 तक भी ले गए, लेकिन वो क्षण भर के लिए थे और वहाँ से बाजार पुल बैक कराते हुए नज़र आए। शायद मुझे लगता है 300-400 पॉइंट अभी और बैंक निफ्टी मंडे के सेशन में एक बार दे, उन लेवल्स पर देखिएगा। पर मुझे लगता है कि बाइंग करने का तो मौका नहीं है, वो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। तो अब जो अगले 400-500 पॉइंट है फिर वो सप्लाई जोन आता है, क्योंकि ये वाली जो शो पोजिशन थी ये शायद बुल्स ने ऑब्जर्व कर लिए, तो बुल शायद 400-500 पॉइंट बाजार और खींचे हमें ऐसा लगता है, और वहाँ पर जाने के बाद शायद सेलिंग स्टार्ट हो। तो यहाँ पर ये जो गैप था ये फिल कर दिया और बाजार इस जोन के अंदर आ रहा है जो कि 35,900 से 36,100 के बीच में एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है अगर आप पूरे सारे चार्ट्स को अगर आप देखें तो। और यहाँ पर एक जो सबसे मेजर रेजिस्टेंस है वो 36,500 पे, वो शायद हमें इस हफ्ते की भी एक रेजिस्टेंस लगती है। थर्सडे तक की भी जो रेजिस्टेंस है वो हमें लगता है 36,500 है। ऊपरी लेवल पर हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आने के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो जिनके पास वो शेयर्स हैं वो शायद प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, एक्सिस सब तेजी में थे। HDFC बैंक ने डबल सेंचुरी मारी, ICICI बैंक ने सिंगल सेंचुरी, कोटक महिंद्रा बैंक आज फिर तेज होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से वेडनेसडे के सेशन में कोटक महिंद्रा बैंक ने तेजी दिखाई थी और BRS ने पैसा इसको ऊपर से जो उतारा था बहुत तेजी के साथ, वो शायद आज दोबारा से इसने पुल बैक के अंदर रिकवर कर लिया, रीगेन कर लिया। IDFC फर्स्ट बैंक
हाँ 3.79% की तेजी, इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, फेडरल, यानी जो छोटे मझोले बैंक थे वो अच्छी तेजी में थे। कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और दिग्गज चारों बैंक पॉजिटिव थे। इसके अलावा PSU सेक्टर का हमारा SBI भी पॉजिटिव नोट के साथ ही बंद हुआ। FIIs अभी भी कैश मार्केट में लगातार सेल करते हैं, ये फंडामेंटल्स रीजंस दिखाते हैं कि ये फंडामेंटल्स के हिसाब से शायद सेलिंग हो रही है। वहीं DIIs हमारे लगातार बाय कर रहे हैं और DIIs की बाइंग और शॉर्ट कवरिंग की बदौलत आपको बाजार चलते हुए नजर आए। 27 मई के दिन देखिएगा FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट कवरिंग कर ली। इससे पहले उन्होंने 26 तारीख को शॉर्ट्स प्ले किए थे लेकिन उनकी शॉर्ट कवरिंग अगले दिन हो गई, तो ये भी इंडिकेट करा रहे हैं कि शायद हो सकता है बाजार थोड़ा सा और ऊपर जाए। उसके अलावा स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं FIIs, अब जो है फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट्स नहीं बिल्डअप कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से शायद हमें एक पुल बैक की उम्मीद जो थी वो भी थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ पे सेलिंग आ जानी चाहिए लेकिन वो नहीं आई और बाजार थोड़ा सा भी और खींचता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सेलिंग नहीं आएगी, हो सकता है वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छे चांस लगते हैं ऊपरी लेवल पर, सेकेंड हाफ में जो है सेलिंग आनी चाहिए। और जो है आपके साथ जो बात करूँ मैं, डाउ जोन्स भी जो है सोमवार को बंद है, तो ये भी एक न्यूज़ है कि भाई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। हालांकि डाउ जोन्स ने बहुत अच्छी तेजी की है। पुट कॉल रेशियोस अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखा रही है, पुट राइटर्स बता रहे हैं कि भाई हम पुट लिखने के लिए तैयार है। जो बाजार में थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो भी इंडिकेट कर रही है कि बाजार शायद थोड़ा सा ऊपर जाए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक अच्छी तेजी के साथ तकरीबन 3000 पॉइंट की रैली निचले लेवल से जो गिरावट हुई थी उससे कर चुका है, और यही एक कॉन्फिडेंस जो है शायद हमारा बाजार भी ले, तो ये भी जो है पुल बैक का इंडिकेशन मिल रहा है। अब जो नेगेटिव मिल रहा है वो मिल रहा है ब्रेंट क्रूड से $119 पर, हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का जो है सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऑप्शन चेन के डेटा भी कॉल राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि बाजार के अंदर पुट राइटर्स काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि बाजार को अब इन लेवल्स पर स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे खास बात देखिएगा 16,300 की पुट जहां पर 69,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए, यानी कि कॉन्फिडेंस दे रहे हैं 16,300 अब नहीं तोड़ने का। वहीं पर कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव आपको 16,300 पर ही मिले जहाँ पर 43,000 थे, तो इसमें से बहुत सारी स्ट्रेडल पोजिशन भी होंगी लेकिन ये जो स्ट्रेंथ है ये इतनी ज़्यादा नहीं है, तो कॉल राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, यानी कि बाजार को रोक पाने की स्थिति में शायद थोड़ा सा नहीं है। लेकिन ऊपरी लेवल पर आप देखेंगे 16,500 16,600 पर, यहाँ पर भी कॉल राइटिंग है बट 16,600 अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली काफ़ी अच्छा लेवल्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर अगर निचले साइड पर देखें कि अगर बाजार गिरते हैं तो स्ट्रेंथ कहाँ पर मिलती है, तो जो स्ट्रेंथ है वो 16,200 पे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल 54,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसका 16,100 पे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट 48,000, और मेजर जो स्पोर्ट है वो 16,000 पे जहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी के निफ्टी के अंदर, तो 16,000 जो है एक अहम लेवल है जहाँ पर पुट राइटर्स एग्रेसिव है। निफ्टी बैंक के अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्राइटिंग हुई है वो सबसे पहले तो 40,970 35,500 पर हुई जो इमीडिएट सपोर्ट भी है, उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी राइटिंग हुई है पुट के अंदर वो 35,000 पे हुई है 27,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये दूसरी सपोर्ट आपको नजर आएगी। इसके अलावा कॉल राइटर्स अगर हम बात करें तो कॉल राइटर्स मिसिंग थे और कॉल राइटर्स तो छोड़िए 35,700 पे कॉल अनवाइंडिंग हो गई और कॉल राइटर्स हैं फिर 36,000 पे जो कि 13,000 आंकड़े हैं खाली, तो वो 40,000 के सामने कहीं नहीं टिकते, और 35,500 की अगर कॉल में भी देखें तो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट है वो भी कहीं नहीं टिकते, तो ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई एक बार तो पुल बैक बनता है। अब इस पुल बैक के बाद सेलिंग प्रेशर आता है या नहीं आता ये आपको नए सेशन में देखने के लिए मिलेगा सोमवार को। हमें चांसेस लगते हैं कि ऊपरी लेवल पर एक बार सेलिंग आनी चाहिए और अगर 35,900 और 36,100 के लेवल्स को भी क्रॉस करता है तो फिर एक मेन हर्डल है 36,500, शायद वो हमें लगता है नहीं तोड़ पाएगा बाजार, वहाँ पर तो श्योर आपको जो है प्रॉफिट बुकिंग मिलनी ही चाहिए। बट मुझे लगता है कि 35,900 पर भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर मिलना चाहिए और बाजार रिवर्स होता हुआ भी आपको नज़र आना चाहिए, और हो सकता है कि बाजार इन सब तेजी के बावजूद डाउ जोन्स और इन सब तेजी को भी फ्लैट के आसपास भी आपको क्लोज दे सकता है और फ्लैट टू नेगेटिव या स्लाइटली पॉजिटिव, यानी कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 35,900 36,000 के आसपास बाजार अटकना चाहिए और फिर वहाँ पर सेलिंग आने के बाद सेकेंड हाफ के अंदर उसमें गिरावट भी आनी चाहिए ऊपरी लेवल से। तो ये मेरे आउटलुक है बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी में भी कमजोरी है बट निफ्टी में थोड़ी सी हमें कम लगती है, निफ्टी में स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अभी पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी में हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, अब हमें लगता है बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ थोड़ी घटेगी, निफ्टी की स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी और बैंक निफ्टी की तो हो सकता है कि नेगेटिव भी चली जाए। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।